ओरि नमो सरस्वती माई दादेरी महिमा करूं मर कंठ विराजो आई। नर हर नर दास जी ने नमन करूं जारी ठावी सिंज गुरु ठोड़ी दिनो थानी भूमिया थे पाता वती राठोर। लिखे अरे भगीड़ा साचो नर हरि नरिदास जीरो नाम उर महिमा अरे मोटी रे सिंज गुरु धाम की रहे जियो। बड़ो सुंदर भजन लिखे बोले अरे भगीड़ा साचो हो मारे दादी वाड़ो नाम भैड़ा साचो मारे दादे वाड़ो नाम ही महिमा मोटी रे सिंज गुरु धाम की रहे जियो। जय हो हमारा दादा ने खमा। और एक मिनट लेकिन तीन सुरवीरों को देखो आप इनको धन्यवाद है भाई तीनों को। अरे भगीड़ा साचो मारे दादे वालो नाम भैड़ा साचो मारे दादे वालो नाम ही महिमा कोटी रे सिंज गुरु धाम की रहे जियो। राजा सागर की भूमि है आप जाओ और सिंज गुरु में आप गांव बसाओ। जिन भक्तों आपने जाट जाति चौधरी समाज रे महीने मूड गोत है मूड गोतीरा जाट सबसे पहली सिंज गुरु में आर छड़ी रोपी और इन गांव रो नाम सिंगी बाणिया हुया करता सिंगी बाणिया रे नाम से आपनो गांव नाम पड़ियो सिंज गुरु। और मूड जाता रे जाटा द्वारा सबसे पहली छड़ी रोपी गई। चलो भैया जय हो दादे की। Come on.
पुराण की जरूरत नहीं है भक्तों, मैं अति शक्ति वाली बात नहीं कर रही हूं। इस सिंजगुरु गांव में आज भी दो कुआ है, दो बेरा है, एक तो पुरानो बेरो, एक नयो बेरो। पुरानो बेरो भक्ता राजा सगर के समय हो, राजा सगर के 100 लड़का हा, 100 पुत्र हा, और रोज जमीन सु कुओ खोद और अपना पिताजी ने रोज नया कुआ सो पानी पिलाता, और बे कुआ रे महीने आपने सिंज गुरु रे महीने जो पुरानो कुओ है वो राजा सगर को समय रो, राजा सगर की टेम रो कुओ है। दूसरो बेरो जो आज भी आपने चालू भी में मोटर लाई गोड़ी रे पानी आपा खेचार पानी पीवा गांव वाला, वो हंसो जी रे हाथ रो बनियोड़ो है। तू बोले अरे बाप जी जन्म्या जन्म्या, अरे बाप जी जन्म्या जन्म्या, गांव लूणा माय बाप जी जन्म्या, अरे गांव लूणा माई पाताल तरा घोड़ा में जामो पावियो हे जियो। आपने सिंज गुरु गांव की, सिंज गुरु धाम की, अब मैं बात करूं दादेरी। नर हरदास जी महाराज जन्म अटे को नहीं हो, दादा रो गांव हो लूणा गांव लूणा। आपने नर हरदास जी महाराज को मुख्य जो गांव जगह में जन्म लियो लूणा गांव रे महीने पातावत गोत्रा राठोड़ा रे घरे जन्म लियो। दादेरे पिताजी रो नाम हो भोपत सिंह जी, और दादा रे काको साजी रो नाम हो हमीर सिंह जी, जो भगत अरदास कर रहे बोले अरे बाप जी पिता कही जे, अरे बाप जी पिता कही जे, भोपत सिंह राठौड़ बाप जी पिता कही जे, भोपत सिंह राठौड़ काका हमीर सिंह हे जियो। जांगलू जांगलू गांव रे महीने भाटी राजपूत है, तो भाटिया रे और पातावत राठौड़ा रे बेर हो दुश्मनी ही हजारों वर्षों से, लेकिन अमल गड़ गया और बा दुश्मनी एक दिन खत्म हो गई। तो आपने सिंज गुरु गांव री पातावत राठौड़ा री बेटी नर हरदास जी महाराज की बुआ बीरी शादी करी जांगलू रे महीने भाटिया रे सागे भाटी सिरदारा रे साथे शादी कर दी। एक दिन वो भाटी सिरदार जांगलू रो नर हरदास जी महाराज रो फूपो जी फूपो सा आपने सिंज गुरु में आया, मेड़ी रे महीने ढोलिया डाजोड़ा और दोनों चोपड़ पासा खेले, चोपड़ पुराना जमाना में खेल हुआ करतो,
तो नर हरदास जी महाराज पासो फेंक्यो क्यों फूको सा ए पोर ए बारा। वो फूफो सजना भी दुश्मनी ने भूलियो कोनी, एक अब को बोल बोलियो डोडो बोल बोलियो क्यों नर हरदास जी ए पोबोरा तो ठीक है लेकिन थका हाथ पतला गणा नी कहीं क्यों। अरे नर हरदास जी ए पोबोरा तो ठीक है लेकिन हाथ पतला गणा। उन वक्त मैंने नर हरदास जी महाराज ने क्रोध आ गयो मन में क्यों और बात बोली फूफो सा ये हाथ पतला है या भारी है ये तो जीरे लागिया ही नहीं भी नहीं ध्यान है और जीगे लागसी भी नहीं पतो पड़ेला के हाथ पतला है या मोटा है। उन वक्त महीने वो फूफो बोलियो रे राठोड़ा तो गौरव मत करो गुमान मत करो। तो उन वक्त महीने फूफो आप ही हाथ तू तलवार खींच ली अटीनू नर हरदास जी महाराज जी हाथ रे महीने खंडो ले लियो। तब वो फूफो क्यों कि नर हरदास जी सात दिनारो परवानो है और जांगलूरो भाटी इस सिंच गुरु माते हमलो करेला आक्रमण करेला कहीं थाने मारी चुनौती स्वीकार है। तो नर हरदास जी महाराज बोलिया फूफो सा आप भला पधारो आप पतावतरी जवान है आपसे युद्ध करूंगा। जांगलू रो राजा आपरे देश गयो जांगलू फौजा बेड़ी करी अठीने नर हरदास जी महाराज लूणा गांव सु आपरे काकोसा हमीर सिंह जी ने बुला लिया और फौजा बेड़ी कर ली। पर बात को समय भक्तों जांगलू में फौजा सचती देखी लेकिन मेकी भुआसा ने पतो नहीं चालियो कि आज मारा पति देव मारा भाटी सिरदार आज कटे गमन करे। तो बा भटियाणी मैं भी चाहूंगा भटीरी औरत आपने गांवरी बच्ची बोलन लागी क्यों किसी सीधा वो चाकरी सिद्ध पधारो किसे सीधा वो चाकरी और किसे पदारो शेर किनसु खेटो थे किनो और किनसु बड़ियो बेर। हे मारा पति देव आज भोजा शस्त्र क्यों सजाया हो कहीं क्यों फोटो बेगो या कोई बेर हो गयो कहीं दुश्मनी होगी कहीं। उन वक्त मैंने वो राजा कहीं कियो नहीं सिदावा चाकरी और नहीं सिदावा शेर अरे नर हरि से खेटो किनो उन पाते से बंदियो बे। अरे नहीं सिदावा चाकरी और नहीं सिदावा शेर उन नर हर सिंज गुरुरा सुरवीर सु में हेटो करियो और आज जमाला जांगडूरे देश। चलो भैया अरे दादे वालो नाम महिमा मोटी रे सिंह गुरु नाम पीर है जियो Thank you.
जांगलू रो राजा आप भी भोजा तैयार करी तो बा बुआ सा बोली आप सिद्ध पधारो जने क्यों के सिंज गुरु रो न रह रहे मेरे माते चढ़ाई करूं आज मैं रानी तो बा बुआ बोली बोली कि आप युद्ध मत करो मैं मारा भतीजा ने समझाऊंगी नरहर ने समझाऊंगी कि बेटा युद्ध मत कर तो वो फूफू सजनों मन में धोखो रख और बोलियो ठीक है रानी सा अगर थे बोलो तो मैं युद्ध नहीं कराला तो बा भुआ सजनों भतीजा ने समझाने वास्ते कट आई आपने सिंज गुरु गांव में आई और अपना नरहरी भतीजा ने क्यों रे बेटा युद्ध मत कर युद्ध में कोई आना जानी नहीं है वो थारे बुआरो सुहाग है तू कहीं थारे बुआरो सुहाग उजाड़े लो तो नरहरदास जी महाराज आपकी बुआरी बात मान ली भक्तों और अटे आपने सिंज गुरु में जितनी भी फौजा बेली उड़ी ना वे सारी फौजा ने आप आपरे देश भेज दी अठिनुंबो जांगलूरो भटी नरहरिदास जी महाराज रो फूपो धोखो करियो और आपरी विशाल मोटी सेना ले और सिंज गुरु गांव रे माते हमलो कर दियो सिंज गुरु गांव रे माते सदनो हमलो बोल दियो उन वक्त में नरहरिदास जी मन में विचार करो कि थारी बलि हो मैं तो मारी सारी खोजा बेच दी और आज वो दुष्ट मारे साथ कपट करियो धोखो करियो और सेना लेर मारे ऊपर हमलो कर दियो लेकिन क्यों हे मां नागानेरी नाई नागनेची हे शक्ति स्वरूपा तू मारे सागे है ये भगतरी लाज राखजे और बोले अरे बगीड़ा बुआ रे आई अरे बगीड़ा बुआ आई सिंज गुरु रे माय बगीड़ा बुआ आई सिंज गुरु रे माय नरहर ने समझाई आ तो पातड़ी रे जियो महाराज एक सिंगनी रो जायो पटिनु जांगलू राजारी असंख्य सेना सिंज गुरु माते हमलो कर दियो उन वक्त की बात भक्तो नरहरदास जी महाराज रे सागे खाली पांच सैनिक विचार करो चिंतन करो खाली पांच सैनिक एक तो खुद एक आपरा काकोसा हमीर सिंह जी दो और सैनिक और एक आपने सिंज गुरु गांव रो गुणाराम नाम रो नायक जाति रो व्यक्ति जो बाण चलावा में निपुण जो बाण चलावे भारी 100 मीटर तक एक आंख सुनिशानो सादेर बेने खत्म कर देवे एडो एक पराक्रमी आपने गांव रे महीने हुई हो नायक समाज में धन्य ही भी नायक री पत्नी बा बोली कि हे पति देव एक ना एक दिन तो सबने मरनो है आज बारी है इस सिंच गुरु रे वास्ते मरने री आप जाओ युद्ध में और आप रे स्वामी रे साथे वीर गति प्राप्त करोला तो दुनिया थाने याद करेला तो गुणाराम बोलियो हे मारी अर्धांगनी मारे चालो नी जावे पकासू मैं चाल नहीं सकूं तो धन्य भक्तों भी औरत ने वो मर्दानी थी
आपरा पति ने सदनो हाथ रे मैंने उठा और गांवरी चौकट रे मैंने खड़ा कर दिया, एक अडान बांध दी और वो पति बैठो बैठो सदना तीर चलाया और दुश्मन री सेना रा छक्का छुड़ा दिया। बोलो नरहर दास जी महाराज की। बोलो भैया हाथरे मैंने तलवार ले ली और दुश्मन री फौजरे मैंने कूद पड़िया केसरिया बानो कर 360 सिपाहियां रा माता भाड़ दिया और अंत में हमीर सिंह जी हंसता हंसता इन सिंज गुरु री माटी रे वास्ते इन भूमि रे वास्ते हंसता हंसता धरती माते कुर्बान हो गया। बोलो हमीर सिंह जी महाराज की। तब नरहरदास जी महाराज मन में क्रोध करियो रे बोलियो रे फूको सा तने शर्म को नहीं आवे निर्दोर सारा माता भाड़ता ओ युद्ध थाके और मारे बीच में है तो निर्दोष आने क्यों मारो, अगर युद्ध करनो है तो मासू लड़ो मार पे तलवार बाओ खंडो बाओ। नरहरदास जी महाराज युद्ध क्षेत्र में अकेला एक हाथ में तलवार लेर खड़ा हो गया। वो फूको आयो हाथरे मैंने तलवारो क्यों सिरदारा बाता सु बात मत करो मुंडा सु हाथा सु बात करो उन वक्र मैंने सजनो वो फूको आपरी तलवार दीवी और जोरदार झटकारे साथे नरहरदास जी महाराज को शीश अलग कर दियो। बोलो श्री नरहरदास जी महाराज की। धन्य है शूरवीर आपरो शीश कटारे बात में नरहरदास जी महाराज आपरा शीश ने हाथ में ले लियो एक हाथ में तलवार एक हाथ रे मैंने खुदरो शीश और आंखें ही भक्तों इस तरह की जगह दोनों आएगी खाली धड़ धड़ दिखे हाथ रे मैंने खुद की मुंडी लियोड़ा खड़ा। तब वो फूफो बोले रे नरहरदास मैं थरे माते तलवार भाई लेकिन तू मारे माते तलवार क्यों नहीं चलाई। तो उस वक्त मैंने नरहरदास जी महाराज बोलिया हे बाप जी हे फूकोसा हे भाटी सिरदारा मैं मां की बहन बेटिया रे सुआग्र माते कदे तलवार नहीं चला सका तलवार बाणो मानो काम नहीं है बहन बेटिया रो सुहाग में बचावा नहीं कि मेरे को सुहाग उजाड़ा। उन वक्त मैंने भक्तों बाप जी महाराज री बा धड़ बा कंकाली रो रूप धारण कर और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी और तलवार सु बेरिया माता भाड़न लगी। जब भी धड़रो विकराल रूप देखियो तो आसमान सु मां शक्ति साक्षात स्वरूपा प्रकट हुई आ धड़ आतंक मचा देवेला पूरी पृथ्वी ने खत्म कर देवेला। जने सज्जनो लाल रंगरी ओढ़नी लाल रंगरी लोहड़ी भी धड़ माते ओढ़ाई और ओढ़ा ताई बा धड़ वटई गलानी भरने खत्म होगी बटी भेटी पड़ गई और भी जगह सोना की मूर्ति उबरवा लागी। लेकिन एक कोई गवाड़ियों कोई एवड़ चराने वालों गाया चराने वालों वो सुन ली मेरी बात बता दी जन सजनों बाजो देवली सोना की ही बा देवली पत्थर की बन गई और आज भी आप जरूर सिंज गुरु गांवरे मैंने दादेरा दर्शन कर सको और दादेरा गुणगान कर सको। तो अंत में बोले अरे बाप जी भादवारी अरे बाप जी भादवारी चांदन नवमी आया बाप जी भादवारी चांदन नवमी आई होगी लगावो दादा रे हाथ सूर है जियो
नवमी आई भोगी लगावे तारे हाथी सूर हे जियो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आदरणीय श्री फरीद खान साहब आपका फरीद खान साहब मेरा सी आपने मुझे ये प्रेरणा दी इतनी सामग्री बताई है मैं आपका शुक्रगुजार हूं तो बोले अरे बाप जी फरीद खान जी भजन दियो बनवाई बाप जी फरीद माई भजन दियो बनवाई गावे अजमेरो महिमा आप रहे जियो अरे दादे वालो नाम भी महिमा मोटी रे सिज गुरु धाम की रे जियो